दोस्तों आज है 2 अक्टूबर 2019 और 2 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है टारगेट स्टडी आईक्यू। तो दोस्तों देखो, आप सभी लोगों को शोले मूवी का कालिया का वो डायलॉग तो याद होगा जिसमें वो बोलता है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। इसी तरीके से आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था अंदाज अपना अपना, जिसमें रॉबर्ट का वो डायलॉग था सरदार गलती से मिस्टेक हो गया। तो ये सभी ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, ये ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन इनमें से जो आप ये कालिया वाला एक्टर देख रहे हैं, ये जो रोल किया गया है, इनमें से जो जो ये एक्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनका अभी रिसेंट में निधन हो गया है। वैसे तो मैं निधन वाले क्वेश्चन करवाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि शोले मूवी का कैरेक्टर है और शोले मूवी आपको भी पता है कितनी ज़्यादा फेमस है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर देखो इसको लेकर क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में बीजू खोटे का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये जो किरदार मैंने आपको अभी दिखाया था, जो एक्टर मैंने आपको दिखाए थे, उनका नाम है बीजू खोटे और वो एक क्या है, अभिनेता है, ना कि राजनेता, गायक, क्रिकेटर, कुछ भी नहीं, ये एक अभिनेता है। तो एक बार फिर से आपको फोटो दिखा देते हैं, शोले मूवी में कालिया का रोल किया था ये जो एक्टर आपको दिख रहा है, ये इनका नाम है बीजू खोटे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी अंदाज अपना अपना में ये वाला पीछे वाला फोटो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हंसी की मूवी है ये। मुझे आज तक मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी हैं मुझे सबसे ज़्यादा फनी मूवीज़ अगर कोई लगी है तो वो अंदाज अपना अपना ही है। तो यहाँ पर देखो आगे चलते हैं दोस्तों, अभी एक फुटबॉल का इवेंट हुआ जिसका नाम है SAFF, जिसको बोलते हैं सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप 2019 का खिताब भारत ने जीत लिया है। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं भारतीय टीम का फोटो, जिसमें कि आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सेलिब्रेशन भारतीय टीम मना रही है। तो एक बार यहाँ पर फिर से देखेंगे, सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप 2019 जो है इसको भारत देश ने जीत लिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस बार ये जो सैफ अंडर 18 प्रतियोगिता है इसको नेपाल में आयोजित किया गया था, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक फुटबॉल का चैंपियनशिप है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के पुरुष जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तब इसका आंसर हो जाएगा कि ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में ये वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आपको एक ट्रॉफी का नाम दिया होगा और पूछा होगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो चूंकि यहाँ पर उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया तो सोचा कि आपको सारे SSC में पूछे गए क्वेश्चन का रिविजन भी करवा देता हूँ। जैसे एक कप होता है आगा खा कप, किस खेल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। SS कप क्रिकेट से संबंधित है, SS कप एक क्रिकेट से संबंधित है। अजलान सह कप जो होता है ये भी हॉकी से संबंधित है। डेविस कप ये लॉन टेनिस से संबंधित है। इसी तरीके से दलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इजरा कप पोलो से संबंधित है। हॉपमैन कप जो होता है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरीके से रोवर्स कप जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। तो ये सभी ट्रॉफी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी में आगे है सुब्रोतो कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है और थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। देखो बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, हो सकता है दिमाग में ना बैठ पाए, लेकिन वीडियो को पॉज करके चीज़ों को मेमोराइज करते हुए चलना तभी इसका आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज इसका PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, तब आप अच्छे से इसको रिवाइज कर पाओगे। दोस्तों इसी तरीके से डिटेल में मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है जितनी शिद्दत से मैं वीडियो बना रहा हूँ उतनी शिद्दत से इस वीडियो को प्यार देना, वीडियो को लाइक कर देना और बार बार नहीं कहता हूँ लेकिन फिर से आपसे बोलता हूँ इस बार वीडियो को शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न बनेगा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना, जैसे इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बोला जाएगा ट्रांसलेशन कर दिया। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है
ये बनाया जाता है प्रतिवर्ष 30 सितंबर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो ये दिवस मनाया गया है वो दूसरा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे बनाया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद में हम ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो अभी रिसेंट में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो कि रिसेंट में ऑर्गेनाइज करी गई है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसका फोटो भी दिखा देते हैं जिसमें कि आप देख सकते हो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, और नीचे लिखा है 27 से 29 सितंबर को मुंबई में इसको आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कलेक्टिव ग्रोथ सिक्योर फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपको फोटो दिखा देने से आप इसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। इस बार का जो इसका विषय है, सब्जेक्ट है, वो है प्रॉस्पेरस सोसाइटी स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, ये इस बार का इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको मुंबई में आयोजित किया गया है तो मुंबई में आपका महाराष्ट्र का जो सीएम है उनका नाम याद होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के जो गवर्नर बने हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल सभी को पता है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस भारतीय के नाम पर एक एस्टेरॉयड का नाम रखा है। देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जसराज, पंडित जसराज के नाम पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंडित जसराज के नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्टेरॉयड का नाम रखा है। देखो ये जो संस्था होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये स्पेस में जितने भी आप क्षुद्र ग्रह, स्मॉल सैटेलाइट, स्मॉल जो ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड्स होते हैं, इन सभी का नामकरण करते हैं। तो इन्होंने ही पंडित जसराज के नाम पर एक नए एस्टेरॉयड का नाम रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित जसराज का फोटो, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर स्पेस में एक एस्टेरॉयड भी दिख रहा होगा जिसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे बता देते हैं आपको कि पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नेपाल की नेशनल बैंक ने किस सिख गुरु की 550वीं जयंती पर स्मारक सिक्के जारी किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की 550वीं जयंती के अवसर पर नेपाल नेशनल बैंक ने उनके नाम पर सिक्के जारी करने की घोषणा करी है। यहाँ पर उस सिक्के को देख लेते हैं जो कि नेपाल सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सिक्के हैं जिसको अभी नेपाल के सेंट्रल बैंक के द्वारा, नेपाल नेशनल बैंक के द्वारा अभी इसको जारी किया गया है। एक चीज़ यहाँ पर और पूछी जा सकती है, घुमा फिरा कर अगर पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती, कौन सी जयंती पर नेपाल नेशनल बैंक ने स्मारक सिक्के जारी किए हैं। तब आंसर हो जाएगा 550वीं जयंती के अवसर पर इस सिक्के को जारी किया गया है। अब अक्सर यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर सिख गुरु की बात हुई है, तो सिख गुरु से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो वो हो जाएगा गुरु अंगद देव। इसके बाद में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, तो वो भी हो जाएंगे गुरु अंगद सिंह। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह बताया था, तो वो थे गुरु अर्जुन देव सिंह। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, तो वो था गुरु तेग बहादुर सिंह। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रचार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो भारत की बात करी जाए तो भारत सहित कुल मिलाकर 20 ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी एक हस्ताक्षर किए हैं, एक योजना बनाई है जिसके तहत ऑनलाइन फेक न्यूज़ को लेकर और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 20 देशों ने फेक न्यूज़ के लेकर को रोकने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, क्या भारत उसका पार्टिसिपेंट्स है। तो आंसर हो जाएगा भारत उसका साझेदार है। तो ऑप्शन नंबर देकर टिक कर देंगे। तो 20 देशों ने मिलकर अभी इसको शुरू किया है जिसमें कि हर तरीके की ऑनलाइन जो जो फेक न्यूज़ चलती है उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आगे चलते हैं,
हाल ही में किस अमेरिकी फैशन रिटेलर कंपनी ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरएवर 21। फॉरएवर 21 नाम की एक फैशन रिटेलर कंपनी थी जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है, उसने हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर आप इसका शोरूम भी देख सकते हैं, इस तरीके से फॉरएवर 21 नाम से आपको इसके शोरूम ऑल ओवर वर्ल्ड मिल जाएंगे। तो इसमें इस कंपनी ने अभी हाल ही में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। यहाँ पर शानदार कॉफ़ी का फोटो भी देख सकते हैं, सो दैट आपको लंबे समय तक याद रह जाए कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य को मिला है? तो देखो, भारत के राज्य केरल, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला यहाँ पर नंबर 1 पर आया है, नंबर 2 पर आपका राजस्थान है, नंबर 3 पर है आपका कर्नाटका। ठीक है, इस सूची में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे नीचे पायदान पर आया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। केरल नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, ये दो चीज़ें बस याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नीति आयोग ने साल 2016 से 17 के इन आंकड़ों को अभी रिसेंट में पेश किया है, जिसके बेसिस पर एजुकेशन इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे और केरला जो है वो नंबर 1 स्थान पर आया है। दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का क्विज। आज का सबसे पहला प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है, हाल ही में किस महापुरुष के 30 अनएडिटेड रील प्राप्त हुई है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रमन सेट 2 नामक एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों सभी प्रश्नों के आंसर दे देना। अगर आप लोग 1 साल का करंट अफेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सभी करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं।